जामनगर सहित राज्यभरना विविध महानगरोमा नॉनवेजनी लारीओ पर प्रतिबंध मूकी जाहेरमा मांसाहारनी प्रवृत्ति अटकाववा तजवीज थई रही छे। यात्राधाम द्वारकामां पण मांसाहारनी प्रवृत्ति अटकाववा मांग उठी छे। द्वारकाना शारदा पीठना ब्रह्मचारी स्वामी श्री नारायणानंद सहितना संतो द्वारा आ मुद्दे रजूआत करवामां आवी छे। સાત પુરીમાં પૈકી એક પુરી, ચાર ધામ પૈકી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એક નિજ ધામ અને આ પતિત પાવની દ્વારકામાં આપ જોઈ શકો છો કે મંદિરની કે રુક્ષ્મણી મંદિર આની નજીકના વિસ્તારોમાં માંસ મદિરા ઈંડા વગેરેનું વેચાણ ચાલી રહ્યું છે। ગુજરાતમાં હમણાં જ સમાચારો જે મળ્યા કે ઘણા બધા શહેરોમાં અને નગરોમાં આની ઉપર પાબંદી મૂકવામાં આવી છે। નો ડાઉટ જે માંસાહારનું સેવન કરતું હોય એને માટે એક અલગથી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે અને નિયત થયેલી વ્યવસ્થામાં આ વસ્તુઓ મળે એનું વેચાણ થાય, પણ નિદાન દ્વારકા ક્ષેત્રની આજુબાજુના લગભગ 3 કિલોમીટરના વિસ્તારને છોડી અને આ વ્યવસ્થાઓ કરવી જરૂરી છે। આ પૂર્વે પણ અમે શારદાપીઠ વતી અમારા પૂજ્ય સ્વામીજીએ એ પત્રો દરેક જગ્યાએ અધિકારી પદાધિકારીઓને આપેલા, દ્વારકા નગરપાલિકાએ પણ આના માટેનો ઠરાવ કરેલો। કોઈ એવું પણ સાંભળવા મળેલું છે કે કોર્ટમાં પણ નગરપાલિકાની તરફેણમાં ચુકાદો આવ્યો છે અને આવી બધી જ વસ્તુઓનું વેચાણ દ્વારકાથી બહાર કરવું આવો નિર્ણય થયો છે। તો આજે જ્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં આ એક મુહિમ છેડવામાં આવી છે ત્યારે દ્વારકા બ્રાહ્મણોના પ્રતિનિધિ તરીકે અમારા બધા જ આવતા લાખો યજમાનોના પ્રતિનિધિ તરીકે હું જિલ્લાના પદાધિકારીઓને અને અધિકારીઓને વિનંતી કરું કે આ દ્વારકા પુનઃ પતિત પાવની બને, પવિત્ર બને અને આવું કોઈ દૂષણ દ્વારકામાં ન રહે આવી અમારી સૌની અંતરની અને હૃદયની લાગણી સૌ અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ સમક્ષ વ્યક્ત કરું છું। સબસે પહેલે તો જહાં પર યે સબ ચીજે બંધ હો રહી હૈ વો યે કાર્ય સ્વાગત યોગ્ય હૈ ઓર ઉનકા સ્વાગત કરના ચાહિયે ઓર યે ધ્યાન રખના ચાહિયે હમ સભી લોગો કો કે હમ સભી લોગ એક સનાતન ધર્મી લોગ હૈ और हम भगवान द्वारकाधीश का ये धाम है। भगवान द्वारकाधीश का धाम जितने भी वैष्णव होते हैं वो डूंगरी लहसुन भी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। ऐसी परिस्थिति में द्वारका जैसी तीर्थ क्षेत्र में और द्वारका जैसे धाम में जहाँ भारत के अन्य धाम जैसे मथुरा है, वृंदावन है, वहाँ पर मांस क्षेत्र और अंडा विहीन कर दिया गया और वहाँ के क्षेत्र के बाहर सब लगाया गया है, तो द्वारका को भी ये मांसाहार से और अंडा से इसको मुक्त करना चाहिए। और ये लोग, द्वारका बहुत छोटी सी नगरी है, बहुत बड़ी नगरी नहीं है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल नहीं है, छोटा सा क्षेत्रफल है। जितने लोग यहाँ पे यात्री आते हैं जब वो रुक्षिणी माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो रास्ते में उनको अंडा का, मांस का, मटन का ये जो लारियां मिलती हैं उससे उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हमारे गुरुजी बताते थे कि जब गुरुजी 85-86 में यहाँ पर आए तो यहाँ पर प्याज लहसुन ढूंढने से नहीं मिलता था पूरी द्वारका में। ऐसी द्वारका में आजकल अंडा मिले, मांस मिले, तो ये निसंदेह बहुत निंदनीय है और इसका बहिष्कार होना चाहिए। प्रशासन को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अमल करना चाहिए और द्वारका को मांस से और अंडा से मुक्त करना चाहिए। यहाँ की नगर पालिका का हम लोग स्वागत करते हैं,
उनके इस ठहराव का कि उन लोगों ने इसमें इस क्षेत्र को मांस विहीन अंडा विहीन बनाने का एक जुम्बिस और एक मुहिम छेड़ रखा है, एक मिशन छेड़ रखा है। सारे नागरिकों को और सारे अधिकारियों को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे द्वारका की गरिमा बढ़े और द्वारका में आने वाले जितने भी यात्री हैं एक वो संदेश लेकर के पूरे देश में जाएं कि वैष्णव जहां धाम है, वैष्णव धाम है, भगवान द्वारका का धाम है। ऐसे धाम में किसी भी प्रकार का कोई भी नॉनवेज की चीज़ें यहां न मिलें। जहां जिसको नॉनवेज खाना हो भाई वो द्वारका के बाहर जाए और वहां जा कर के खाए। और हमने नगर पालिका को भी लिखा था, हमने कलेक्टर को लिखा था और पुलिस को लिखा था, और यह कहा गया, हमने ये मांग की थी कि द्वारका में रुक्मिणी माता मंदिर और द्वारकाधीश के मंदिर के बीच में लाखों यात्री जो यहाँ आ रहे हैं वो जब यहाँ से रुक्मिणी माता मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो अब रुक्मिणी माता के चारों तरफ एक ये एक प्रकार का षड्यंत्र भी हो सकता है कि हिंदुओं की तीर्थ भूमि पर हिंदुओं के देवता और देवी के आसपास चारों तरफ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए जिससे लोगों में श्रद्धा का भाव जागे नहीं और वो लोग आना बंद कर दें। इस प्रकार का षड्यंत्र है और यह विदेशी षड्यंत्र भी हो सकता है और देश में रहने वाले जो गद्दार लोग हैं उनके भी षड्यंत्र हो सकते हैं। सरकार का संकेत किया था कि यहाँ पर मांस अंडा और यहाँ के विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं हैं, इन शिक्षण संस्थाओं के आसपास में सब लोगों ने लारियां लगाई, सब लोगों ने इस प्रकार के अंडा लगाया, मांस मटन लगा रहे हैं और वहाँ पे बेच रहे हैं, उससे विद्यार्थियों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो हम लोगों ने ये पूर्व में लिखा था, उसी का परिणाम हुआ कि नगर पालिका ने तो ऐसा ठहराव किया लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसा कुछ अभी किया नहीं गया है। हो सकता है अब उनकी जागृति हो और वो इस प्रकार के, हमारी फिर से वही मांग है, हमें किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है, हम अपने अधिकारियों के सबके साथ में हैं और सारे अधिकारी अगर चाहें तो द्वारका को एक स्वच्छ और निर्मल और सहज ऐसा द्वारका बनाएं जो भगवान द्वारकाधीश की द्वारका जैसे लगे और पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर सके। के किनारे जा करके गंगा जल का पान किया जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गंगा के किनारे जा के बिस्लेरी के बॉटल में का पानी पीते हैं, तो इसी प्रकार का ये है। लेकिन हमें ऐसी आवश्यकता तो है नहीं कि जो मांसाहार है करने वाला है उसको हर जगह मांस दिया जाए। क्या बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे कोई सामान प्रतिबंधित होता है, उस जगह के ऊपर आप जा कर के नहीं पी सकते हो। आप स्कूल में जाएं और स्कूल में कहें कि हम तो दारू पीना चाहते हैं तो क्या दारू दिया जाएगा? इस गुजरात क्षेत्र में दारू के ऊपर बंदी है, शराब के ऊपर बंदी है, और कोई कहे कि हमको शराब पीना है तो आप शराब परोसेंगे उसको? जैसे शराब बंदी इस गुजरात में लागू है उसी प्रकार से मांस मटन की भी बंदी यहाँ होना चाहिए। कोई जिसको खाना है वो जाए दूसरे क्षेत्रों में जाए, जहाँ खाया जाता है वहाँ पर खाए।